फ्रेंड्स आज बना रहे हैं एक बहुत ही यूनिक सी रेसिपी, आपको इसे बनाने में आएगा बहुत ही ज्यादा मजा। आज बना रहे हैं चीज के साथ फिल किए हुए फ्राइड स्टिक्स। तो ये रेसिपी है बहुत ही चीजी, बहुत ही स्वादिष्ट और बड़ी जल्दी बन जाती है। चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो इस रेसिपी के लिए हमें चाहिए पेने पास्ता, और अब हर पास्ता की रेसिपी की तरह पहले पास्ता को करेंगे बॉईल। तो एक सॉस पैन में लिया है पानी, डाल रहे हैं नमक और डाल रहे हैं ऑयल। ऑयल जरूर डालिएगा, अगर आपने ऑयल नहीं डाला तो बॉईल होते वक्त पास्ता एक दूसरे को स्टिक हो सकते हैं और हमें ऐसे नहीं चाहिए। बस डाल दिया इसमें पास्ता और इन्हें रख दिया गैस पे। इन्हें अब उबाल आने तक कुक करना है, करीबन 7 से 10 मिनट तक इन्हें बॉईल करना है। वैसे इन्हें तब तक बॉईल करना है जब तक ये 90% सॉफ्ट नहीं हो जाते हैं, इसलिए इन्हें चेक जरूर कर लीजिएगा। और बॉईल होने के बाद एक्सेस वाटर ड्रेन आउट करके रख दीजिए इन्हें अलग से। और चलिए अब करते हैं आगे की तैयारी। और अब एक छोटे से बाउल में ले रहे हैं 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर और 1 टेबलस्पून मैदा। अगर आपके पास इनमें से कोई एक चीज नहीं है तो आप दूसरी चीज 2 टेबलस्पून ले सकते हैं। डाला इसमें थोड़ा सा नमक और अब इसमें पानी डाल के इसका बनाएंगे एक पतला सा घोल। अच्छी तरह से मिक्स करिएगा, लम्स बिल्कुल नहीं होने चाहिए। तो इस तरह से पतला सा घोल बना देना है। और अब एक और छोटी सी तैयारी, हम ले रहे हैं रेगुलर प्रोसेस चीज क्यूब्स और अब इन्हें काट दे रहे हैं। देखेंगे तो इनकी पतली स्लाइसेस बना रहे हैं। स्लाइस इतनी पतली होनी चाहिए कि वो पास्ता के होल के अंदर जा पाए। और अब ये लिया एक पास्ता का पीस और उसके अंदर डाल दी हमने एक चीज की स्लाइस। स्लाइस मोटी है तो उसे काट के कर दीजिए पतला। जितना अच्छी तरह से स्टफिंग करेंगे उतना आएगा आपको खाने में मजा। तो ये जितने भी पास्ता के पीसेस हैं उन सब में डाल दे रहे हैं चीज। और अब हर एक चीज फिल्ड पास्ता के पीस को पहले मैदे और कॉर्नफ्लोर के गोल में डिप कर रहे हैं और फिर उसे डिप कर रहे हैं ब्रेड क्रम्स में। तो ये फ्रेश ब्रेड को हमने सिर्फ पीसा हुआ है, क्रम्स बनाए हुए हैं। आप चाहें तो ड्राई ब्रेड क्रम्स भी यूज कर सकते हैं। तो हर एक पीस को अच्छी तरह से घोल भी लग जाना चाहिए और ब्रेड क्रम्स भी लग जाने चाहिए। हर एक पीस उठा के उसे प्रेस जरूर कर लीजिएगा ताकि ब्रेड क्रम्स उसके ऊपर अच्छी तरह से स्टिक हो जाए। और पास्ता की एंड की तरफ भी अच्छी तरह से प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारा स्टफ किया हुआ चीज बाहर ना निकले। तो ये पूरी तैयारी करने के बाद इन सबको करेंगे डीप फ्राई। ऑयल रख दिया गरम करने के लिए। ये जो भी फ्राइंग है वैसे ऊंची आंच पर करने की जरूरत नहीं है, इसे मीडियम आंच पर करना है। करीबन 3 से 4 मिनट लगेंगे आपको एक राउंड फ्राई करने के लिए। ये हल्के से ब्राउन हो गए, बस इन्हें निकाल देना है। और अब सर्व करने के पहले इन पर स्प्रिंकल कर दे रहे हैं काली मिर्ची का पाउडर। तो ये हमारे चीज फिल पास्ता के स्टिक्स हो चुके हैं रेडी। गर्मा गर्म इन्हें ट्राई करिएगा, टोमेटो सॉस के साथ ट्राई करिएगा, बड़ा मजा आएगा। तो आई होप आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी और आप इसे जरूर ट्राई करेंगे। हमें कमेंट्स में लिख बताइएगा कि आपके पास्ता स्टिक्स कैसे बने। और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ही ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।